राधे राधे। तो भाई अपन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली। क्या पढ़ रहे थे? पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे और नाइट्रोजन फैमिली की प्रॉपर्टी चल रही थी। आज अपन पढ़ते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्साइड पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली का, ये एलिमेंट दो OH शो करता है भाई, मेनली एक E+3 और E+5। अगर मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन O-2 के साथ करवाना चाहूँ, ऑक्साइड बनाना चाहूँ इसका, तो इसका ऑक्साइड तो क्या हो जाएगा बताओ? E2O3, अदला बदली करेंगे तो, और एक सा हो जाएगा E2O5। तो एक तो E2O3 बन गया, एक E2O5 बन गया। ये E2O3 तो बन गया भाई साहब क्या ट्राईऑक्साइड बन गया, और ये E2O5 क्या बन गया बताओ? पेंटाऑक्साइड बन गया। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। ठीक है भाई, अब अपन लेके चलते हैं ट्राईऑक्साइड पेंटाऑक्साइड क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है आगे। ठीक है, क्या ऑक्साइड ऑफ 15 ग्रुप, 15वां जो अपना ग्रुप है उस 15वें ग्रुप के, 15 ग्रुप की ऑक्साइड अपन लेके चल रहे हैं। तो यहां तो क्या ले लेता हूं मैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लूंगा, यहां नाइट्रोजन का ले लेता हूं, यहां फास्फोरस का, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये ऑक्साइड अपन लेके चल रहे हैं। नाइट्रोजन देखो भाई, नाइट्रोजन में बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए ये NO N2O N2O NO N2O3 N2O4 N2O5। ठीक है, तो ये आपके पास पांच अपने ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के, जिनमें OH देखेंगे तो +1 +2 +3 +4 और +5। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर +3 और +5 की बात करें अपन, तो +3 और +5 में फास्फोरस भी क्या बनाएगा? ट्राईऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पेंटाऑक्साइड बनाएगा। इसका जो ट्राईऑक्साइड है वो होता है भाई P4O6, और पेंटाऑक्साइड होता है P4O10। इसी प्रकार आर्सेनिक का भी यही होता है, As4O6 As4O10। एंटीमनी का भी यही होता है, Sb4O6 Sb4O10। और बिस्मिथ केवल +3, क्योंकि बिस्मिथ की +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो बिस्मिथ बनाएगा +3 में B2O3। ठीक है, B2O3 बनाएगा बिस्मिथ। तो ये आपके पास हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की ऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या क्या बनाता है दोबारा बताएं? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन के पांच ऑक्साइड हैं, फास्फोरस के दो ऑक्साइड हैं, ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। आर्सेनिक एंटीमनी इन दोनों के भी दोनों ही होते हैं, ट्राई और पेंटा, बिस्मिथ का ट्राईऑक्साइड। तो ये वर्ग 15 की ऑक्साइड है भाई। अब इन वर्ग 15 की ऑक्साइडों के बाद अब अपन लेते हैं क्या इनका प्रिपरेशन मेथड, कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ये ऑक्साइडों की प्रिपरेशन मेथड अपन देखते हैं यहां।
इन ऑक्साइडों को बनाने की विधियां। पहली जो विधि है वो है भाई ये अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 को आप गर्म कर दें तो बन जाएगा N2O+H2O, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, नाइट्रस बन गया। उसके बाद में अगर मान लो आप FeSO4+NaNO2+H2SO4 की रिएक्शन करवा दें तो इन तीनों की रिएक्शन से ये फेरस सल्फेट है फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये फेरस था फेरिक हो गया, प्लस सोडियम बाई सल्फेट प्लस H2O+NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन गई। तीसरा ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO और N2O4 दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बताओ, N2O3 बनाएंगे, ठीक है भाई, ये N2O3 बनाने का मेथड हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म कर दें तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक तो PbO बनता है, PbO2 बनता है, एक ऑक्सीजन बनती है और एक NO2 बनती है, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हो गया। इसी प्रकार ये जो अपना NO2 बना है, इस NO2 को अगर आप ठंडा कर दें या फिर इसको गर्म कर दें तो ठंडा करने पर ये NO2 बना देता है क्या, N2O4 भाई, ठीक है, तो NO2 N2O4 बनाता है। और अगर मान लीजिए आप HNO3 की रिएक्शन P2O5 के साथ करवा दें तो ये P2O5 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, N2O5 में, और ये HNO3 कन्वर्ट हो जाएगा HPO3 में, ठीक है भाई। तो ये आपके पास लेड नाइट्रेट को PbO, तो लेड नाइट्रेट को गर्म कर दें PbO O2 और NO2 बन जाएगा, ये आपके पास प्रिपरेशन मेथड हो गए भाई, ठीक है, कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करो N2O बनेगी, फिर सल्फेट NNO2H2SO4 की रिएक्शन करवा दो NO बन जाएगी, NO की N2O4 से क्रिया करवा दो N2O3 बन जाएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करो PbO O2 और NO2 बन जाएगा, ये NO2 डाइमराइज होकर N2O4 बनाता है और HNO3 और P2O5 N2O5 बनाते हैं। तो आपने क्या क्या बना लिया, सारी चीजें बना ली, देखो क्या क्या, NO बना लिया, N2O बना लिया, NO2 बना लिया, N2O4 बना लिया, N2O3 बना लिया और N2O5 बना लिया, ये इनकी प्रिपरेशन मेथड। अब फास्फोरस के दो ऑक्साइड और हैं भाई, उनको भी मैं यहां बना दूं, चलो जो P4 है उस P4 की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवा दो, ठीक है, या तो बन जाएगा भाई क्या P4O6 या बन जाएगा क्या P4O10, ठीक है, वो कितने हैं 6 है, 3 लगा दो 5 लगा दो, तो ये हो गए फास्फोरस के ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड के बनाने की विधियां। तो ये आपके पास प्रिपरेशन मेथड हो गए नाइट्रोजन जो फैमिली है उनके ऑक्साइडों की, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड अपन ने ले लिया। प्रिपरेशन मेथड के बाद अब अपन क्या करते हैं भाई, इनकी प्रॉपर्टीज लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं भाई, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, ट्राइऑक्साइड की भाई, मैंने कहा था या तो ट्राइऑक्साइड बनाएंगे या पेंटाऑक्साइड बनाएंगे, यानी मैं प्रॉपर्टीज बात कर रहा हूं किसकी, ट्राइऑक्साइड E2O3 की, ट्राइऑक्साइड, तो ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन और फास्फोरस के ट्राइऑक्साइड एसिडिक होंगे और आर्सेनिक और एंटीमनी के होंगे एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, ठीक है,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे ये, और ये होगा भाई बेसिक ऑक्साइड। एक होती है मेटल, एक होती है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड। मेटल का अगर ऑक्साइड आप लेंगे या नॉन मेटल का ऑक्साइड आप लेंगे या मेटलॉइड का ऑक्साइड लेंगे तो वो होंगे क्या? मेटल का ऑक्साइड ध्यान रखना बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, और मेटलॉइड की अगर आप बात करें तो मेटलॉइड का होता है एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक नेचर का उभयधर्मी। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं इसलिए एसिडिक, ये दोनों के दोनों क्या है भाई मेटलॉइड हैं इसलिए एम्फोटेरिक, और विस्मित मेटल है इसलिए बेसिक। ये हो गई ट्राई ऑक्साइडों की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। ट्राई ऑक्साइड के बाद में बात करता हूं किसकी, पेंटाऑक्साइड की। पेंटाऑक्साइड की बात करें तो देखो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, इन सब के पेंटाऑक्साइड एसिडिक होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ सभी के जो पेंटाऑक्साइड हैं वो क्या होंगे बताओ, एसिडिक होंगे, अम्लीय होंगे। अब मैं कंपैरिजन करता हूं दोनों में, किस किस में भाई, E2O3 में और E2O5 में, यानी ट्राईऑक्साइड में और पेंटाऑक्साइड में, ठीक है। तो इस ट्राईऑक्साइड की बात करें तो यहां पर ये जो E है इस E पर चार्ज कितना है, +3, यहां इस E पर चार्ज कितना है, +5। तो ध्यान रखना अगर OS इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ OS ज़्यादा है, OS अगर ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अम्लीय सामर्थ्यता ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर आप ऑर्डर देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो वो क्या होगा, E2O5 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, E2O3 से। तो पेंटाऑक्साइड ज़्यादा अम्लीय होते हैं ट्राईऑक्साइड से। कंक्लूजन क्या निकला भाई कि पेंटा ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड से अधिक एसिडिक होते हैं। रीजन, ओएस अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन एक और है भाई, अगर मान लीजिए परसेंटेज ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 5 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज हो गया, और ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पेंटाऑक्साइड और ट्राईऑक्साइडों की प्रॉपर्टीज हो गई एसिडिक और बेसिक एम्फोटेरिक। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या इनकी स्ट्रक्चर की। नाइट्रिक ऑक्साइड, अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ध्यान रखना पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होता है, लेकिन ये ही जब अपना डाइमर बनाएगा, डाइमर का मतलब दो जने जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। और अब ये डायमैग्नेटिक होगा, तो ध्यान रखना NO पैरामैग्नेटिक होता है जबकि इसका डाइमर डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमैग्नेटिक। यही सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है NO2 में, ये NO2 भी वही होता है क्या, पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जब मैं इसका डाइमर बनाऊंगा, और इसका डाइमर होता है भाई कौन, N2O4, तो ये N2O4 क्या होता है बताओ, डायमैग्नेटिक होता है।
ठीक है, क्योंकि यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन था इसलिए पैरामैग्नेटिक था और कलरफुल। बादामी रंग का होता भाई, लेकिन जब ये डाइमर बनाता है तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वो काम आ जाता है और ये क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, कलरलेस। तो ये दो बड़े अच्छे एग्जांपल है, NO पैरामैग्नेटिक है, डाइमर डायमैग्नेटिक, NO2 पैरामैग्नेटिक है, इसका डाइमर डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहां इन दोनों केसेस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। जब डाइमर बनाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। यहां पर आप ये लिख देंगे कि पैरामैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक। इस NO2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो NO2 की स्ट्रक्चर ये होगी, आगे अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भी। ये लो भाई NO2 हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, NO2 की स्ट्रक्चर बाद में भी देखेंगे अपन, और मैं टॉपिक लूंगा जब, ठीक है। तीसरा अपन देखेंगे ये क्या हो गया भाई, दो नाइट्रोजन N2, एक दो तीन चार ऑक्सीजन N2O4, एक ऑक्सीजन बीच में और दे दें आप, अब बताएं N2O5, ठीक है, तो N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, और अब ले लूं क्या N2O3, N2O3, तो NO हो गया, NO2 हो गया, N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, N2O5 हो गया। इसके बाद में देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, तो इसकी कोवैलेंसी 4 है। एक दो बार प्रश्न पूछा गया ऐसा कि जो N2O5 है इस N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, सहसंयोजकता कितनी है, तो इसकी सहसंयोजकता होती है 4, एक दो तीन चार बंद बना रहा है ना। अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर किसकी, दो स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं, एक तो P4O6 की स्ट्रक्चर ले रहा हूं फास्फोरस के ट्राइऑक्साइड की। तो फास्फोरस का जो ट्राइऑक्साइड है ना भाई वो कैसा होता, देखो ये देखो भाई, ये हो गया आपके पास P4O6, एक फास्फोरस, दो फास्फोरस, तीन फास्फोरस, चार तो फास्फोरस हो गए, एक दो तीन चार पांच छह ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। यहां के एंगल की बात करें तो ये जो एंगल होता है 127 का होता है और ये एंगल होता है 100 डिग्री के आसपास। तो ये तो P4O6 हो गया, और अब अपन बात करें किसकी, P4O10 की, P4O10 भी ऐसा ही होता है, ध्यान देना, ठीक है, ये बना देगा, एक ये बना लेगा, ये लो, एक दो तीन चार ऑक्सीजन बढ़ गए, P4O10 हो गया। तो ये तो P4O6 की स्ट्रक्चर हो गई, ये P4O10 की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है भाई। तो ये जो स्ट्रक्चरें हैं P4O6 और P4O10, तो आज अपन ने पढ़ लिए नाइट्रोजन जो फैमिली है ग्रुप 15 है उसके ऑक्साइड पढ़ लिए। अगली वीडियो में अपन फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।